नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन। तो देखिएगा, अब फिर से वही चैलेंज आया है कि रूट को कैसे हटाया जाए। कोई एक ऐसा त्रिकोणमिति अनुपात लीजिए जिसे अगर हम x की जगह पे a sec थीटा रख दें तो देखो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, जो कि टेन के बराबर टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी कि रूट आसानी से हट जाएगा। तो हमें क्या करना है, आराम से हम यहां पे लेट करेंगे। माना लेट किया हमने एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए सेक थीटा का क्या होता है सेक थीटा टेन थीटा, और ये आ जाएगा डी थीटा। चलिएगा इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह पे, इसकी जगह कितना रह जाएगा, वन बाई रूट, देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और अगर हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, एक्स की जगह ए सेक थीटा रखा है, डी एक्स की जगह पर रखना है ए sec थीटा tan थीटा और d थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर हमारे पास है a sec थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे है a स्क्वायर से a कॉमन निकल जाएगा और sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह पर रखेंगे tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो जब रूट के बाहर निकल के आएगा यहां से सिर्फ tan थीटा, तो इस tan थीटा से ये tan थीटा कट जाएगा, इस a से a कट जाएगा और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन sec थीटा, इंटीग्रेशन sec थीटा d थीटा, और sec थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, log इंटीग्रेशन sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अच्छा, tan को भी आप चेंज कर लीजिए, tan को भी आप चेंज करिए। देखिए आपने पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, यहां से अगर हम tan थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो कितना होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, और अगर हम tan थीटा निकालते हैं तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट का sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, रूट का sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, यानी कि हम यहां पे रख सकते हैं tan थीटा की जगह पे, एक तो ये हो जाएगा हमारा log। अच्छा, sec थीटा की जगह पे क्या रख सकते हो, x बाई ए, एक्स बटा ए प्लस, और यहां पे रखेंगे रूट के अंदर में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन। टेन थीटा की जगह पर रखोगे sec थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, और sec थीटा की वैल्यू रख दीजिए x बाई ए, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, है ना। चलिएगा प्लस का c हो गया रूट, ये हो गया हमारा लॉग में x प्लस, रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। अच्छा, ये आ जाएगा, अब अलग हो जाएगा, लॉग हो जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस का लॉग ए हो जाएगा एम बटे एन, लॉग एम माइनस का लॉग एम की जगह पे ये हो गया, और माइनस का आ जाएगा, यानी कि लॉग एम बटे लॉग एन, लॉग एम बटे लॉग एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम ये हो गया माइनस का लॉग ए, तो माइनस लॉग ए प्लस ये सी को दोनों को मिला के हम बड़ा सा सी माने ले रहे हैं। यानी कि एक बात कंफर्म हो गई यहां पे कि ये फॉर्मूला जो था ये कन्वर्ट होके आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन वन बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। चलिएगा, लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।